नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के साथ साथ काव्या के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। बिग बी अक्सर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को गुनगुनाते नजर आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के घर में मधुशाला किताब की एक बेंच भी है। इस बात का खुलासा अमिताभ बच्चन ने खुद किया है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने नए ब्लॉग में इस बात की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि उनके हर जलसा में कविताओं की लोकप्रिय पुस्तक मधुशाला के आकार की पत्थर की एक बेंच लगाई गई है। मधुशाला एक लोकप्रिय पुस्तक है जिसकी रचना अमिताभ बच्चन के पिता और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने की थी। इस ब्लॉग में 80 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने इस आलिशान बंगले जलसा में मौजूद इस बेंच की कई फोटो भी शेयर की है। अमिताभ ने आगे इसे लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ये बेंच पोलैंड में शहर बोकरला में बनाई गई थी। यहाँ 2020 में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया था। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि बोकरला पोलैंड में मधुशाला की पुस्तक के आकार की पत्थर से बनी एक बेंच, यह बेंच बेहद जटिल और सबसे अनोखे रूप में है। अमिताभ ने आगे बताया कि मधुशाला के आकार का ये बेंच 1 टन का है। इसे वोकरला में भारत के काउंसिल जनरल के अधिकारी कार्तिकेय जौहरी के कार्यालय के माध्यम से पोलैंड में लाया गया। इसके साथ ही बिग बी ने उन्हें धन्यवाद भी कहा। बता दें कि 27 नवंबर 2022 को हरिवंश राय बच्चन की 115वीं जयंती मनाई गई थी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।